ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं इसी को तो योग जान, क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है, इसलिए मनुष्य को चाहिए अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में ना पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुखादिकों में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं, अर्थात विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका, तथा विकार रहित है स्थिति जिसकी, और अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रियां जिसकी, तथा समान है मिट्टी पत्थर और सुवर्ण जिसके, वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है। ऐसे कहा जाता है, जो पुरुष सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा मृक्षाला और वस्त्र है उपरोपरि जिसकी, ऐसे अपने आसन को ना अति ऊंचा और ना अति नीचा स्थिर स्थापन करके, और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया सिर और ग्रीवा को समान और अचर धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ, भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित हुए। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, तथा ना अतिशयन करने के स्वभाव वाले का और ना अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार और विहार करने वाले का, तथा कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का और यथा योग शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ
चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहारहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति से सहित त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरांता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो, उसको चाहिए कि यह स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ के जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है, अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भसता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सदृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ।
इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में ना करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन, जिसका ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहु, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गाधिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सुसंसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे गुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है, वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकृष्ट हो जाता है, तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है, तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है, क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतर आत्मा से मेरे को निरंतर भसता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है।